दोस्तों आज हम आपके साथ में कोई विशेष राजनीतिक चर्चा करने की बजाय एक ऐसी चर्चा करेंगे जो चुनाव की भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है। जब से हमारा YouTube चैनल शुरू हुआ है तब से समय समय पर हमारे चैनल की ओर से चुनाव को लेकर के कई भविष्यवाणी की गई, जिनमें से 95% हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। आज उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ हैं दैनिक पलपल से प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, पहले हमारे चैनल ने जींद उपचुनाव के बारे में भविष्यवाणी करी कि वहां कौन जीतेगा और वो हमारी सच साबित हुई। इसके बाद में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी हमारे चैनल ने समय समय पर कई तरह की भविष्यवाणी की है और वो लगभग 95% हमारी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो भविष्यवाणी हमारे चैनल की ओर से की गई थी, ये किस आधार पे रही और ये इतनी सच साबित कैसे हुई? नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले जब जींद उपचुनाव था तो जींद उपचुनाव की जो जीत की भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत की कथा लिखी थी वो उसी दिन लिखी गई थी जिस दिन इनेलो दो हिस्सों में बट गई थी तथा उनके जो डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से उनके निधन के बाद विधानसभा में उन द्वारा दिए गए ज्ञापन को उन्होंने एक मांग पत्र मानकर सारी मांगे मान ली, तो वो पार्टी से ऊपर उठकर जींद के लोगों में जो भावना थी वो भाजपा के प्रति जो बड़ी, और उसके अतिरिक्त जिस ढंग से जींद जो चुनाव चल रहा था तो डी श्रेणी की नौकरियां पारदर्शिता से लगी और इस दौरान शायद 1600 से अधिक जींद में लोगों को नौकरियां मिली, तो वो हमें लगने लगा था भी जींद में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुमत जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो आग में घी का काम किया वो इनेलो के चढ़े ने किया। सर, निष्पक्ष जो आपकी तरफ से राय दी जाती है चुनाव को लेकर के जो भविष्यवाणी की गई है उसी का परिणाम है कि पलपल के लगभग 30,000 सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं और लगभग 40 लाख लोग जो हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो देख चुके हैं। सनी देओल की एक वीडियो पलपल की ओर से 9 मई को अपलोड की गई थी और उसे आज तक लगभग 10 लाख लोग देख चुके हैं। तो जो ये सटीक भविष्यवाणी की जाती है इस पे कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि हो सकता है कि आपकी तरफ हमारी तरफ से किसी एक पार्टी विशेष का पक्ष लिया जाता हो, जिनके पक्ष में भविष्यवाणी होती है या जो दिखता है वो हम करते हैं तो दूसरी पार्टी को लगता है कि ये भेदभाव कर रहे हैं, तो इसके बारे में कहीं किसी ने कोई कमेंट किया हो? ऐसा है, यूट्यूब जो है सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस पे लोग तुरंत कमेंट्स कर देते हैं। मुझे याद है एक जब हमने ये भविष्यवाणी की कि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें निश्चित रूप से आ रही हैं, बाद में हमने 22 मई को एग्जिट पोल के बाद यह भी कह दिया था भी 9 पक्की आएंगी और 10 पे मुकाबला है, तो एक ने कमेंट्स किया ये तो बिका हुआ मीडिया है। तो हमें पत्रकारों को, क्योंकि मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पत्रकारों को एक तो विचलित नहीं होना, क्योंकि पत्रकारों को उनके सामने भी उनके पीछे भी, आजकल तो सोशल मीडिया है, उनकी फेसबुक पे भी उनके ट्विटर पे भी ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे। मुझे एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने जब उनको कहा भी देश में मेरा ये आकलन था भी 70-80 सीटें ही आएंगी कांग्रेस की, हालांकि उनकी 52 ही आई, तो वो हमारे पुराने मिलने वाले थे तो उन्होंने ये कमेंट्स किया लगता है आपने भी भगवा पहन लिया। तो मैंने उनको कहा मैंने भगवा नहीं पहना, लेकिन जनता की जो आवाज़ है, क्योंकि आप लोग एक ही, आम तौर पे होता क्या है जो राजनेता है वो एक ही परिवेश में रहते हैं, अपने समर्थकों से घिरे रहते हैं, उनको अपना उनका जो समर्थक है उनको बढ़ा चढ़ा कर उनको रिपोर्ट करता है और उनको इस समय जो स्टीक बातें होती हैं वो बहुत बुरी लगती हैं। सर, आपका कहना है कि मीडिया एक दर्पण है, जो दिखता है वही दिखाता है, लेकिन फिर भी कई नेता कई पॉलिटिकल पार्टीज उसको मानने से इनकार करती हैं, मानते नहीं है, हो सकता है वो अंदर कुछ मानते हो लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं मानते।
तो लेकिन फिर भी आपने बताया कि कांग्रेस की 9 सीटें आएंगी तो 9 की बजाय सॉरी बीजेपी की 9 आएंगी, फिर भी लोगों ने कमेंट किए। और रोहतक की सीट हमने शुरू से बता रहे थे कि वहां टफ फाइट है और वो रही भी। भविष्य में जो भी चुनाव होंगे या जो भी राजनीतिक गतिविधि होंगी उसके बारे में भी हम समय समय पर वीडियो लोगों को देंगे, जानकारी देंगे। तो आपकी ओर से हमारे दर्शकों को कोई ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि जो भी हमारी तरफ से पेश किया जाएगा वो सही होगा? नहीं, ऐसा है कमल जी, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, गलतियां भी हो सकती हैं। आजकल एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो होते हैं वो लोगों की राय से होते हैं। अब जो मेरा मानना था, आप भी मेरे साथ थे, 23 मई को रिजल्ट आने थे तो हमने शाम को 8 बजे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमारे पास पूरे देश की सूचना थी, सीट वाइज सूचना थी, लेकिन हमने ब्रीफ में करते हुए उसको ये बताया था भारतीय जनता पार्टी 272 जो एक स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है उसको छूने जा रही है और एनडीए 300 से अधिक सीटें देने जा रही है। हालांकि उनको बहुमत उससे भी ज्यादा मिला। कई बार पत्रकार जो होते हैं उनके मन में और उनको सूचनाएं भी होती हैं, फिर भी वो कुछ परसेंटेज जानबूझकर कम करते हैं जो निष्पक्ष राय रखते हैं। मुझे यह कहते हुए एक राष्ट्रीय चैनल ने 365 सीटें एनडीए की दिखाई थी और जिस व्यक्ति ने सर्वे किया था उसको देश में सबसे ज्यादा गालियां दी। यहां तक कि एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन ने एक इस प्रकार का कार्टून छापा जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते, उसमें यह दिखाया गया था कि मीडिया को मोदी फीड कर रहा है, जैसे मां दूध पिलाती है वैसे पिला रहा था। तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने, जिस एजेंसी ने वो सर्वे किया था, जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वो ये कह रहा था भी हमारे बारे में लोगों ने बहुत गालियां दी। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अब जो भी वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में था, उसी की हमने जानकारी दी। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा तो उसकी जानकारी देंगे। हमारा कोशिश होगी कि हम आपको निष्पक्ष जानकारी दें ताकि राजनेता चाहे माने या ना माने, लेकिन पब्लिक को यह ज्ञान होना चाहिए, हमारे दर्शकों को ज्ञान होना चाहिए भी हम लगभग सही जानकारी उनको दे रहे हैं। सर, ये जानकर देने धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि चुनाव को लेकर के पल पल द्वारा जो भी भविष्यवाणी की गई थी वो 95% सही साबित हुई है और हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य के अंदर भी हम आप तक सही और सटीक जानकारी ही पहुंचाएं ताकि हमारे दर्शक किसी भी तरह से भ्रमित ना हो। तब तक देख रहे पल पल, धन्यवाद, नमस्कार। 23 मई को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। चुनाव परिणामों से पूर्व हम आपको अंतिम एग्जिट पोल देने जा रहे हैं। हिंदी राज्यों में एक बार फिर से मोदी का डंका बज रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी हमारे आकलन के अनुसार 272 सीटें लेकर स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि अनुमान था, हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब एक एक सीट के एग्जिट पोल हमारे सामने है उनसे ऐसा दिखाई देता है कि भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो मामूली नुकसान हो रहा है उससे अधिक की भरपाई बंगाल व उड़ीसा में हो रही है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 65 सीटों जिस पर भारतीय जनता पार्टी 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हारी थी, वह राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। इन 65 सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 61 सीटें थी, अब 55 सीटों के साथ लगभग उसे केवल तीनों राज्यों में 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जहां बंगाल व उड़ीसा में कुल 63 सीटें हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें थी, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 30 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। ऐसे में
उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद 80 में से 30 से 50 सीटों के बीच भाजपा को नुकसान हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो 53 सीटों से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिलने जा रही हैं। आपको मैं 5 राज्यों की सीट वाइज जो है वो जानकारी देने जा रहा हूँ। हिमाचल की 4 सीटों में कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर व शिमला में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहीं उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से विजयी होती दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 सीटों में से केवल धौलपुर, माधोपुर व बाड़मेर 3 सीटों को छोड़कर 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उधर मध्य प्रदेश की 29 में से 3 सीटें गुना, मुरैना व छिंदवाड़ा को छोड़कर 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार गुजरात की 26 सीटें जीती थी, इस बार कम से कम 24 सीटों पर गुजरात में विजयी हो रही है। केवल जूनागढ़ व अमरेली में मुकाबला है। हरियाणा में पिछली बार 10 में से 7 सीटों पर भाजपा विजयी हुई थी, इस बार केवल 1 सीट रोहतक को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतने जा रही है। सोनीपत सीट, जिस पर ऐसा माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन वो भी चुनाव हार सकते हैं। वहीं रोहतक में कड़ा मुकाबला है, वहाँ भी भाजपा अथवा कांग्रेस में से कोई जीत सकता है। इनेलो व जेजेपी का खाता नहीं खुल रहा। तो दोस्तों, उत्तर भारत के जो हिंदी राज्य थे उनमें भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ वापस आ रही है। केवल पंजाब की 13 सीटों में से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। जहां पहले कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी, वहां 8 या 9 सीटों के साथ कांग्रेस, केवल कांग्रेस का एक राज्य ऐसा है पूरे उत्तर भारत में अमृतसर से लेके कलकत्ता तक जहां उसे बहुमत मिल रहा है। 13 में से 8 या 9 सीटें पंजाब में जीत रही हैं। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल व उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ वापस आ रही है। आसाम के साथ लगते 6 अन्य राज्य, जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में कल दोस्तों इस समय तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि एनडीए 300 सीटों से अधिक व भाजपा 272 का जो आंकड़ा है स्पष्ट बहुमत का, उसको छूने जा रही है। आज इतना ही। नमस्कार।